नमस्कार प्रेक्षक, अभिनिर्मित आर्ट फाउंडेशनच्या अस्तित्व साथ तुमची प्रेरणा आमची या वेब सिरीजमध्ये पुन्हा एकदा आपले सहर्ष स्वागत. आपल्याला माहीतच आहे, आपण वेगवेगळ्या मंडळांना भेट देतोय आणि त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करतोय. तर आज आपण इथे आलेलो आहे पोटचा चिंतामणी या राजाकडे आलेलो आहे. तर आपल्या समोरच पोटचा चिंतामणी आहे आणि आपल्या सोबत त्या या मंडळाचे सभासद आहेत हर्षिक गाला. तर हे आज आपल्यासोबत आहेत, आपण यांच्याशी चर्चा करणार आहोत, गप्पा गोष्टी करणार आहोत. तर सर, आपल्या ह्या मंडळाची स्थापना कधी झाली आणि त्याच्यामागचे उद्दिष्ट काय? हमारा मंडळ का स्थापना हो गया 49 हमारा 49th इयर आहे. हमारे मंडळ के प्रेसिडेंट है संजय जाधव, वाइस प्रेसिडेंट है संतोष पाटवले और सेक्रेटरी है अरुण सावंत. हमारा मंडल का एक ही उद्देश्य है कि सब मिल के जो लोग मैंने ट्रेन चालू किया 125 साल पहले प्रोग्राम करने का, पब्लिक को साथ में लेके आने के लिए, तो वही हमारा उद्देश्य चल रहा है. और दूसरा हमारा उद्देश्य चल रहा है कि जो पैसा जितना पब्लिक का आता है भगवान के लिए, वो पैसा अच्छे काम में यूज़ करना है, क्योंकि वो पैसे पर हमारा अधिकार नहीं है. वो पैसे के ऊपर, भगवान के पैसे के ऊपर, जो जिसको नीड है, जो जरूरतमंद बच्चे लोग हैं जिनको हम लोग एजुकेशन सपोर्ट दे सकते हैं, या जो अंध लड़की लोग हैं, जो ब्लाइंड गर्ल्स हैं, उनको हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं. हमारा पैसा हम लोग यूज़ करते हैं कम्प्लीटली चैरिटी के अंदर. और रात में आज जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे रात को पब्लिक के लिए खाने की सुविधा करते हैं, क्योंकि रात में देर तक पब्लिक घूमती है गणपति दर्शन करने के लिए. और हर किसी के जेब में उतना पैसा नहीं होता कि होटल में जाके खाना खाएगा कि चाय पिएगा. फैमिली के साथ में पापा के दर्शन करने के लिए पब्लिक निकलती है, लेकिन उनको खाने की सुविधा कहीं नहीं मिलती. इसलिए हमारे मंडल की तरफ से रात को यहाँ पे 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हम लोग खाने की व्यवस्था करते हैं. एक दिन मिसल पाव होता है, एक दिन पावभाजी होता है, एक दिन खिचड़ी होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्तजन आवे उन्हें कुछ ना कुछ प्रसाद के तौर पर मिलना चाहिए और उनकी आशीर्वाद आपका आश्रम को मिलना चाहिए. दूसरा, हम लोग बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मंडल के अंदर जितने भी एरिया के बच्चे हैं साथ में मिलकर सब खेले खुले, क्योंकि अभी ऐसा होगा हाई सोसाइटी के अंदर बच्चे स्कूल में जाते हैं पहचानते नहीं है, इसलिए हम लोग साथ में आते बच्चों को ताकि एक दूसरे को पहचाने और एक दूसरे से मुलाकात होने के बच्चे बड़े होने के साथ में खेलते हैं. पहले के ज़माने बच्चे लोग क्रिकेट गेम जो खेलते थे, अभी मोबाइल में बच्चे लोग पड़े, उनकी लाइफ फिनिश हो गई मोबाइल के ऊपर. तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा मोबाइल से बाहर निकल के ग्राउंड पे जाकर स्पोर्ट्स खेले, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, बैडमिंटन खेले, टूर्नामेंट अलग अलग पार्टिसिपेट करें, जिससे एक दूसरे बच्चे से कॉर्डिनेट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है. हम लोग यहाँ पे ये टाइम हम लोग ने 19 गाँव अडोप्ट किए बच्चों को सपोर्ट करने के लिए. हम लोग ने जिला परिषद के 1750 बच्चों को हम लोग ने पढ़ाई के लिए सपोर्ट किया साल के अंदर. हम लोग का जो फंड आता है वो फंड से हम लोग ठंडी की सीजन के अंदर गरीबों का हम लोग ब्लैंकेट डालते हैं. हम लोग छोटे बच्चे कैंसर के जो आते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उनको सपोर्ट करने के लिए हम पैसा कैंसर हॉस्पिटल जाते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं. वृद्धाश्रम के अंदर जो महिला है, जो माँ है जिनको उनको बच्चे उनके घर से निकाल दिए, वो माओ को मिलने के लिए उनके लिए हम लोग त्यौहारों पर मिठाइयाँ लेके जाते हैं, ताकि उनको माओ को ऐसा लगे कि उनके बच्चे उनको याद नहीं करते. तो हमारा ये पापा का ये उद्देश्य है कि सब मिल के ये त्यौहार बनाए. और यहाँ पे कोई भी जाति के बात के ऊपर नीच अमीर गरीब पे इसको नहीं करना चाहिए, और सबको हर किसी को साथ में मिलके अच्छे कार्यक्रम में पार्ट लेना चाहिए. हम लोग गुलाल फटाके नहीं फोड़ते, क्योंकि वो पैसा खर्चा करने में पैसा वेस्ट हो जाता है. वही पैसा हम लोग चाहते हैं कि हम लोग उसको चैरिटी के लिए यूज़ करके किसी को सपोर्ट करके किसी की सहाय कर सकते हैं. इसके लिए मैं ये उद्देश्य कहना चाहता हूँ, गणपति बापा मौर्य, सब मिलकर त्यौहार मनाओ और सब साथ में मिलजुल के रहो. थैंक यू. खूप चांगले उद्दिष्ट आहे. पहिलं तसं मंडळ बघितलं आहे, ज्या मंडळाचं उद्दिष्ट आहे की जे कोणी भाविक येत आहे त्यांना रोज रात्री त्यांना जेवण मिळावं, इकडे तिकडे पटाखा कामाला आहे. आणि खूप चांगला उद्दिष्ट आहे की पटाखे वगैरे एकदम फुटता, त्याचा उपयोग, त्या पैशाचा उपयोग चांगल्या कामासाठी करावा. ते शैक्षणिक याच्यामध्ये आहेत, मेडिसिन याच्यामध्ये आहेत, वृद्धांसाठी सुद्धा ते मदत करतायत. म्हणजे खूप चांगलं वाटलं, म्हणजे तुमच्याशी बोलून एक मेसेज दिला आहे. हर मंडल एक मेसेज देणं चाहता हूँ, तो मैं मेसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर हर मंडल, बॉम्बे के अंदर काफ़ी सार्वजनिक मंडल है, हर मंडल के पास कलेक्शन 50,000 रुपये से लेकर लाखों रुपये का कलेक्शन होता है. अगर हर मंडल 10% का उसमें का पैसा अगर चैरिटी के लिए यूज़ करेगा, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज़ करेगा, किसी गरीब के घर के लिए अनाज भर के देने के लिए यूज़ करेगा, किसी वृद्धाश्रम में किसी माँ के लिए इधर कुछ दो कपड़े लेके जाएगा या किसी को खुशी देगा, तो वो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और लोगों में और खुशी और उम्मीद और बढ़ेगी. तो मैं चाहता हूँ कि गणपति बाबा मौर्य और अच्छा काम कीजिए और साथ में मिलकर प्रोग्राम एन्जॉय कीजिए. खूप खूप चांगल्या प्रकारे, म्हणजे मंडळांनाही हा एक संदेश आहे आणि अशाच प्रकारे एकदम पोगतीने जर सगळ्या मंडळांनी जर कामं केली तर खरोखर एक परिवर्तन घडून आणण्यामध्ये वेळ लागणार नाही. सर,
अजून मला विचारून आवडेल की मला कळलं आहे की साधं आणि सिंपल डेकोरेशन ठेवता, तर त्यामागचं उद्दिष्ट काय? साधं डेकोरेशन केले करते की सर क्या हो जाता है? आदमी अगर डेकोरेशन के ऊपर लाख दो लाख पाँच लाख खर्चा कर देगा, कर तो देगा, हमारे भी बापा, हमको भी अच्छा लगता करने के लिए, सबके बापा है, लेकिन हम चाहते कि वो पैसा हम लोग और किसी को काम आ सकते कि नहीं, उसके लिए हम चाहते कि वो पैसे से हम किसी बच्चों को नोटबुक दिला सकते, अगर हम किसी मरीज को दवा दिला सकते, अगर हम किसी हैंडीकैप को उनके लिए व्हील चेयर ला के दे सकते, तो वो पैसा हमारा किसी को काम आएगा। क्योंकि पापा तो हमारे ऐसे भी है, पापा ये नहीं बोलते कि मेरे को महल में बैठना है, पापा अपने दिल में बैठे हुए, तो अपने को पापा की सेवा पूजा करनी है, आरती करनी है, अर्चना करनी है, और लोगों की सेवा वही पापा की सेवा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग अच्छा काम करें, अच्छा अच्छा वक्त अपने मंडल के साथ में अच्छे कार्यक्रम में होता है। यस, खूप चांगला उद्दिष्ट आहे, बाप्पा आपल्या हृदयामध्ये आहेत, ना की त्यांना महालामध्ये जायचं आहे, आणि त्या तेच पैसे आपण जर समाजासाठी वापरले तर त्याचा समाजाला खूप चांगला उपयोग होईल। चांगला आणि खूप युनिक आत्तापर्यंतचा आम्हाला मेसेज तुमच्याकडून मिळालेला आहे, तर प्रेक्षक मला खरोखर, आणि हां दुसरं म्हणजे जेवणाचं जे आहे, आपण आम्ही एक दिवस आम्ही ब्लड कॅम्प ठेवली होती, ओके, ब्लड कॅम्प ठेवायचा रिझन हा होता की ब्लड कैंप में रखने का रीज़न ये था कि क्या होता है कि आदमी इमरजेंसी टाइम पे ब्लड के लिए भागना पड़ता है, लेकिन हम लोग हर साल ब्लड कैंप रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो वो ब्लड उनको काम आएगा। एक ब्लड डोनेशन एक क्या होता है कि किसी की लाइफ सेविंग करने के बराबर है, और हमारा यहाँ पे मंडे पे आप देखेंगे सात उद्देश्य दिए, हम लोग ने बोल रहे बेटी बचाओ, क्योंकि हर माँ किसी की बेटी है, हर बहन किसी की बेटी है, हर बहू किसी की बेटी है, तो आदमी क्यों बोलता है कि बेटी नहीं चाहिए, बेटी चाहिए, बेटी है तो हमारा देश है, हमारी माँ बहन हमारी बहू सब हमारी बेटी है, वो हमारे को बेटियों को रिस्पेक्ट कर रहा है, और हम लोग ऐसा नहीं करना कि हमारे को लड़की चाहिए नहीं चाहिए, लड़की हो या लड़का हो दोनों एक तरीके। दूसरा हम लोग बन रहे थे कि पहले ब्लड डोनेशन करना जरूरी है, ब्लड डोनेशन से अलग अलग लोगों को सपोर्ट मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग बोलते हैं स्टॉप चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर उसके लिए एक बच्चे का उसका भविष्य तुम छीन नहीं सकते हो, एक बच्चा छोटा है गरीब है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप उसका भविष्य छीन लो, उसका मजदूरी का काम करोगे, मेहनत का काम करोगे, जो उसकी उम्र पढ़ने लिखने की वो अगर 10 साल पढ़ेगा तो उसकी लाइफ बहुत आगे जा सकती है, जितना 10 साल में मजदूरी में नहीं कमाएगा ना उतना बच्चा 2 साल के अंदर बातें कमा सकते हैं। क्योंकि अभी अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट फील्ड है जहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है, पहले के ज़माने में था खाली आर्ट्स था, कॉमर्स साइंस था, अभी आज के ज़माने में कम से कम 50-60 अलग अलग एक्टिविटीज़ है, आदमी कैटरिंग क्लास करने जा सकता है, म्यूजिक डायरेक्टर बन सकता है, फिल्म एडिटिंग कर सकता है, उसके अलावा जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फैशन डिजाइनिंग है, हाउस मेकिंग है, आर्किटेक्ट्स है, फर्नीचर लाइन है, लाइटिंग इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे लोग पढ़ के उनको अच्छा लाइफ देना चाहिए, अच्छा सपोर्ट देना चाहिए, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल चाइल्ड तो शॉप द चाइल्ड लेबर, उसके अलावा हम लोग कहते हैं कि से नो टू ड्रग्स का रीज़न ये है कि एक माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करते, माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होने के बाद में वो बच्चा उनको काम आएगा, लेकिन अगर वही बच्चा जवान बच्चा जब ड्रग्स में जाता है, ड्रग्स लेने का तो बच्चे की लाइफ 4-2 साल में आदमी बच्चा एक्सपायर हो जाता है, तो वही बच्चा जो माँ बाप के काम आना चाहिए वो अगर माँ बाप की ओर बोझ बन सकता है। तो हम चाहते हैं कि माँ के बच्चे लोग ये ड्रग्स न लें, और से नो टू ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स से किसी का फायदा नहीं हुआ और उससे आने वाले जो बच्चे लोग का जनरेशन बड़ा खराब होता है। वी आर लाइक सेइंग दैट से नो टू ड्रग्स, ये हमारा एक उद्देश्य है। और एक हमारा उद्देश्य है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो फैलती जा रही है, लेकिन उसका उपचार है, कैंसर का ऐसा नहीं कि आदमी कैंसर होने के बाद में नहीं बच सकता, कैंसर आने के बाद में आदमी बच सकता है, लेकिन उसका राइट टाइम पे इलाज चाहिए। उसके लिए आदमी को कभी भी कोई भी बॉडी के ऑर्गेन के अंदर जब पेन होता है, कुछ भी डिटेक्ट होता है, उसको आप उसको परीक्षण करो, उसको टेस्ट करो, टेस्ट करने से क्या होगा, इनिशियल फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर आपको मालूम पड़ जाएगा तो यू कैन सेव योरसेल्फ, आपकी लाइफ आपकी बच सकती है। उसके लिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग कैंसर अवेयरनेस पर प्रोग्राम बनाए कि हर आदमी को इसके लिए टेस्ट वगैरह कराना चाहिए, और कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। दूसरा है हम लोग कहते हैं कि नो सिगरेट, क्योंकि सिगरेट भी नया जनरेशन आजकल ऐसा कि भाई ऐसा लगता है कि हीरो हीरोइन लोग सिगरेट पीते तो अपन भी हीरो बन जाएंगे, सिगरेट पीने से कोई हीरो नहीं बनता, हीरो बनना है तो तुम तुम्हारी माँ बहन बेटी बच्चों को सबको रिस्पेक्ट दो, तो ही रियल हीरो है। और मैं बोलता हूँ अपने देश का रियल हीरो है हमारे आर्मी, अगर किसी को हीरो ही बनना है तो फिर आप आर्मी ज्वाइन करो, नेवी ज्वाइन करो, एयरफोर्स ज्वाइन करो, देश के लिए लड़ो, तो वो हमारा रियल हीरो है। उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि स्टॉप स्मोकिंग एंड सिगरेट। और एक हमारा प्रोग्राम हम लोग ले रहे हैं वो है ऑर्गन डोनेशन। आज तक वर्ल्ड वाइड हर जगह पे देश के अंदर सबसे बड़े देशों के अंदर लोग ऑर्गन डोनेशन करते हैं। ऑर्गन डोनेशन करने से एक आदमी 7 जन को लाइफ दे सकता है। जैसे कि एक आदमी के अंदर हार्ट है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होता है, 2 किडनी है तो 2 जन को किडनी आती है, आईज है तो 2 आदमी को आईज मिलती है। श्रीलंका एक बहुत छोटा देश है, लेकिन श्रीलंका से एक छोटे देश के होते हुए भी वो देश से काफ़ी आईज एक्सपोर्ट होती है, कॉर्निया एक्सपोर्ट होती है। तो हमारा देश उतना आबादी का है,
अगर एक आदमी डोनेट करता है आइज तो कम से कम दो लोग को आइज मिलेगी, तो अपने देश में कितने ब्लाइंड लोग उनको सपोर्ट मिल जाएगा, उसके लिए हम लोगों ने ऑर्गन डोनेशन का हम लोगों ने बनाया हुआ। दूसरा हमारे और एक मैसेज है कि सेव वाटर, पानी वैसी चीज़ है जो आदमी जिसको पानी मिलता है ना 24 घंटा उसकी कदर नहीं करता, लेकिन अगर आदमी जो रन करते डेजर्ट के अंदर जाएगा तो मालूम पड़ता है कि पानी की वैल्यू क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके घर के नलों में भी अगर पानी आ रहा है आप सेव करिए, पानी को बचाइए, क्योंकि पानी जीवन, अगर पानी नहीं तो कल नहीं, उसके लिए पानी और बचाइए। और हमारे और एक है कि पेड़ लगाइए, पेड़ लगाएंगे वृक्ष लगाएंगे तो बारिश भी होगी, एग्रीकल्चर भी सिस्टम चलेगा, इकोसिस्टम चलेगा और हर चीज़ अच्छी आसान रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मौर्या, मंगलमूर्ति मौर्या। बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने, सारे ऑलमोस्ट सोशल वर्क के सारे कंटेंट इन्होंने क्लियर किए, एजुकेशन से लेके कैंसर से लेके ड्रग्स से लेके अल्कोहल से लेकर जैन अन्नदान भी करते हैं, से नो टू सिगरेट वो भी करते हैं, वुमेन्स के लिए देन बच्चों के लिए सारे सारे क्षेत्र में वो बहुत अच्छी तरह से अग्रेसिवली काम कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे मिलकर, ये मंडल के बारे में जानकर हम बहुत पहले बहुत बार आ चुके हैं, बट जस्ट गणपति देख के जाना या बाबा का दर्शन करके हम जाते थे, बट आज आपसे बात करके ये सब समझ के बहुत अच्छा लगा। खाली हम लगाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि मंडल का क्या काम कर रहे हैं, एटलीस्ट इस माध्यम से हमें पता चला है। तो दोस्तों आपको ये सब सुनकर देखकर आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही काम हम बाकी मंडल चाहते हैं कि हर मंडल ये प्रोग्राम करेगा तो उससे हमारे लोगों को, हमारे देश के लोगों को त्यौहार के साथ साथ बहुत सारा सपोर्ट मिल जाएगा। त्यौहार तो है ही, क्योंकि ये त्यौहार मनाया था लोकमान्य तिलक ने 125 साल पहले, ये सब एकत्र होकर साथ में मिलके हर धर्म के हर जाति के सब मिलके प्रोग्राम करना है, साथ में सेलिब्रेट करना है फेस्टिवल को। लेकिन हमारा उद्देश्य के साथ में ये है कि उसके अंदर अपने लोगों के लिए अपन क्या कर सकते हैं वो जरूरी है। सही है एकदम, बहुत अच्छी तरह से अलग अलग टाइप के मैसेज ये मंडल से हमें मिला है, और एक यूनिक तरीका ये मंडल से अलग अलग तरीके से हमें मिला है और सुनने के लिए मिला है, और इन्होंने किया भी है। तो मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मंडल के बारे में समझकर, और हमारे प्रेक्षक को भी अच्छा लगा होगा। तुम्हाला एक खरोखर चांगलं वाटलं असेल तर पुन्हा भेटूया आपल्या ह्या लाडक्या वेब सिरीजमध्ये। तर गणपती बाप्पा मौर्या मंगल मुग